Hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to discuss about the interest rate swap. So we are going through the chapter interest rate risk management, and we have seen lots of techniques through which we can actually hedge our risk of interest rate. So till now you might have understood about what kind of interest rate risk is there to the different companies, to individuals. जब भी हम होम लोन लेते हैं, अगर मैं रिटेल या आप ही के और मेरे जैसे बात करूं, तो हम लोगों को क्या ज़रूरत है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानने की. होम लोन की बात आती है तो फ्लोटिंग रेट पे लोन होता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो रिस्क होता है. कंपनीज़ को क्या ज़रूरत होती है, कंपनीज़ के लिए भी लोन एक ज़रिया है जिससे इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है. सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स थ्रू विच वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पे रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट का, और उसको फिर हम टेक्निक्स ढूंढते हैं कि किस तरह से हेजिंग की जाए. और हेजिंग करने के हमने बहुत सारे तरीके देखे, लाइक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट देखा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स देखा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस भी देखा. एंड नाउ इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वैप्स. व्हाट इज़ दिस इंटरेस्ट रेट स्वैप? स्वैपिंग में क्या होता है, अदला बदली होती है. अगर आप स्वैप का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो स्वैपिंग का मतलब होता है एक्सचेंज करना. आप मेरी चीज़ ले लो, मैं आपकी चीज़ ले लेता हूँ. लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ही सिंपल सा अगर मीनिंग बताऊँ नॉर्मल लाइफ में, तो आपके पास में आईफोन है, मेरे पास में आपके पास में आईफोन है, मेरे पास में लावा का फ़ोन है. हम दोनों एक दूसरे के साथ में अपना अपना फ़ोन एक्सचेंज कर लेते हैं. आप मेरा लावा का फ़ोन रख लो और आप मेरे को अपना आईफोन दे दो. दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सचेंज, दोनों का बेनिफिट है इसमें, है कि नहीं? सो टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब इंटरेस्ट रेट की बात आती है तब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ में सर क्या एक्सचेंज करती होगी. बात तो समझ में आ गई कि स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, बट एग्जैक्टली क्या एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज होती है इंटरेस्ट की पेमेंट्स, जो मैं शायद कहीं कर रहा होगा. लाइक कैसे होती है सर, आप ध्यान अगर दोगे यहाँ पे, तो वी हैव टू पार्टीज, पार्टी एक्स एंड द पार्टी वाई. अब पार्टी एक्स क्या कर रही है, पार्टी एक्स फिक्स्ड रेट पे कर रही है 8% का, और पार्टी वाई इसको क्या पे कर रही है, फ्लोटिंग रेट पे कर रही है. फ्लोटिंग रेट होता है लाइबोर प्लस 1% ले लो फॉर एग्जांपल. तो एक दूसरे को पेमेंट्स कर रहे हैं ये लोग, एक्सचेंज कर रहे हैं. क्यों ऐसा स्वैपिंग सर, ये एक दूसरे के साथ में क्यों कर रहे हैं? स्वैपिंग करने का मतलब यही हो गया. हो सकता है इसके दो रीजन होते हैं. एक रीजन ये भी हो सकता है कि लेट्स से यहाँ कोई बैंक से पार्टी एक्स ने लोन लिया होगा फ्लोटिंग रेट पे, तो ये लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता ना. हो सकता है कि ये फ्लोटिंग रेट पे लोन, फ्लोटिंग रेट पे इधर इंटरेस्ट दे रहा होगा, और पार्टी वाई हो सकते हैं कि फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दे रही होगी. अब वापस से ध्यान से देखो, पार्टी एक्स के लिए सबसे पहला आउटफ्लो है बैंक को इंटरेस्ट देना, उसके बाद में पार्टी एक्स को वापस मिल जा रहा है वो एल प्लस 1% पार्टी वाई से, और पार्टी एक्स क्या पे कर रही है पार्टी वाई को 8%. इन सब का अगर टोटल करो तो 8% का आउटफ्लो आता. इससे क्या पर्पस सॉल्व होता है? इससे पर्पस ये सॉल्व होता है कि पहले पार्टी एक्स सिर्फ बैंक को पेमेंट कर रही थी फ्लोटिंग रेट में, लेकिन स्वैप एग्रीमेंट आपको मदद करता है फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए. एक साइड में क्या था, सिर्फ मैं इतना पे कर रहा था लाइबोर प्लस 1%. नाउ वो तो एग्रीमेंट है इसके साथ में, जो लोन का एग्रीमेंट के साथ में अगर मैं स्वैप जोड़ दूं तो मेरा फाइनल पेमेंट देखो फिक्स हो गया 8% का. सो आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड बाई यूजिंग स्वैप इफ देर इज अ नीड. इसको बोलते हैं कमर्शियल नीड, मेरे को जरूरत थी. अब ऐसे सिचुएशन क्यों आई होगी, अब मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर जाता हूँ. मेरी एक कंपनी है, कंपनी को पैसों की जरूरत थी क्योंकि एक्सपांशन करना था. कंपनी ने बैंक से लोन लिया फ्लोटिंग रेट पे, हर साल लाइबोर प्लस 1% में देता था, लेकिन पिछले 3 साल से देख रहा हूँ लाइबोर बढ़ते जा रहा है. पहले लाइबोर 5% था, तो मैंने 5+1 6% बैंक को दिया इंटरेस्ट. उसके बाद लाइबोर 6% हो गया, तो 6+1 7% मैंने दिया बैंक को इंटरेस्ट. उसके अगले साल 7% हो गया, तो मैंने 8% बैंक को दिया इंटरेस्ट.
तो मेरा इंटरेस्ट तो लाइबोर तो बढ़ता जा रहा है, अब मुझे हो रही है चिंता। पहले 1-2 साल तो मुझे चिंता नहीं हुई, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि यार फिक्स रेट पे ही लोन लेते ना तो बेटर रहता। बट अब आपने लोन ले लिया 15-20 साल के लिए, इतने आसानी से लोन कैंसिल तो नहीं कर सकते आप, पेनल्टीज एंड ऑल दैट, आपके भारी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, डिफरेंस अमाउंट भी। तो आप ये लोन चलने दो ना, क्या दिक्कत है, इधर लाइबोर पे कर रहे हो। एक और एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, उसको बोलते हैं स्वैप एग्रीमेंट, किसी थर्ड पार्टी के साथ में। उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट करो कि जो फ्लोटिंग आप इधर पे कर रहे हो वो फ्लोटिंग आप इधर से ले लोगे। सो आप इधर पे करोगे हर साल, कितना भी क्यों नहीं हो जाए उतना ही आपको वापस मिल जाएगा, तो आप सेटअप हो गए। और आप उसको फिक्स पे करो, जो बैंक को फिक्स पे करने की बात कर रहे थे ना, बदलाव कर लाने की बात कर रहे थे, वो इधर मत लाओ उधर लाओ, इधर लाना महंगा पड़ेगा, कई बार बैंक्स नहीं मानती, तो आप उधर लेके आओ, उसको दो ना 8%। हर साल क्या होगा, इधर 12% गया फ्लोटिंग, इधर 12 फ्लोटिंग आया और 8 फिक्स गया, फायदा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट होना है, तो पार्टी एक्स के जैसे ट्रांजेक्शन करो। लेकिन एक चीज़ ज़रूरत ज़रूर ये समझना कि दूसरी पार्टी जो है उसका एग्जैक्टली अपोजिट सोचना होना चाहिए। आपका क्या सोचना था कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लाइबोर बढ़ेंगे, इसलिए आप फ्लोटिंग में नहीं रहना चाहते, आप फिक्स में कन्वर्ट होना चाहते थे, ठीक है। लेकिन सामने वाली पार्टी का सोचना ऐसा होना चाहिए कि फ्लोटिंग रेट गिरेंगे तभी वो आपके साथ में एग्रीमेंट करेगा, नहीं तो नुकसान, दोनों का सोचना है फ्लोटिंग रेट बढ़ेंगे तो क्यों कोई फ्लोटिंग लेना चाहेगा या पे करना चाहेगा। हमारी बात समझ में। सो दिस इज़ वन थिंग, बेसिकली स्वैप का यहाँ पे आप मीनिंग इतना सा समझ लो कि स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना दो इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो एक फिक्स ले रहा है और दूसरा फ्लोटिंग दे रहा है, ठीक है, एक फिक्स ले रहा है और फ्लोटिंग दे रहा है, ये भी हो सकता है। इसको बोलते हैं प्लेन वैनिला स्वैप, जहाँ पे फिक्स्ड टू फ्लोटिंग स्वैपिंग होती है ना, फिक्स रेट देना फ्लोटिंग लेना, इसको बोलते हैं प्लेन वैनिला स्वैप, आप आगे देखोगे। और जहाँ पे दो अलग अलग फ्लोटिंग रेट होते हैं, माइबॉर देना लाइबॉर लेना, पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट देना लाइबॉर लेना, ये दो बेसिस रेट, दो बेसिस है अलग अलग, दोनों फ्लोटिंग है, इसको बोलते हैं बेसिस रेट स्वैप। तो पहला वाला था प्लेन वैनिला स्वैप, दूसरा वाला था बेसिस रेट स्वैप, आगे देखेंगे इनके बारे में। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ वापस कि सर स्वैप एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये अदला बदली करने की या एक्सचेंज करने की या दो इंटरेस्ट पेमेंट या कैश फ्लोज एक्सचेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बेसिक दो रीज़न होते हैं, एक होता है आपकी कमर्शियल नीड, दूसरा होता है कंपिटिटिव एडवांटेज। सॉरी, ये रहा, एक होता है कमर्शियल नीड, एक दूसरा होता है कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कमर्शियल नीड क्या होती है, कमर्शियल नीड यानी कि मुझे ज़रूरत है, नीड यानी ज़रूरत, मुझे ज़रूरत है। अब ज़रूरत कब, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला एग्जांपल बताया, मैंने लोन ले लिया बैंक से, फ्लोटिंग रेट में पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लोटिंग में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 2 साल तक मैंने हायर पेमेंट किया और अब पता चला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो मुझे फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट होना है क्योंकि मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे जो फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट होना है, ये सेंटेंस मैंने बोला, मुझे फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट होना है, इसको बोलते हैं कमर्शियल नीड। मेरी ज़रूरत है अब कि फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट होना है क्योंकि मेरे को खर्चा नहीं जम रहा इतना सारा। सो दिस इज कॉल्ड एज कमर्शियल नीड। तो सर कंपिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, कंपिटिटिव एडवांटेज का ऐसा मतलब हो गया कि दो पार्टी है, मान लो एक मैं हूँ एक आप हो, आप भी लोन लेने बैंक जाते हो, मैं भी लोन लेने बैंक जाता हूँ, अपने अपनी अलग अलग सिटी में, आप मुंबई में बैठे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप अपने बैंक के पास गए मैं अपने बैंक के पास गया, हम लोन लेने जाते हैं। अजम्पशन के लिए बेसिस सेम रखना है ना दोनों का, इसलिए मानते हैं कि आपको भी 200 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे को भी 200 करोड़ का लोन चाहिए। तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से बोलते हो कि इंटरेस्ट रेट कोट करो, आप भी बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि इंटरेस्ट रेट कोट करो, बैंक आपको भी इंटरेस्ट रेट कोट करता है, बैंक मेरे को भी इंटरेस्ट रेट कोट करता है, हम दोनों तरह के इंटरेस्ट रेट मांग लेते हैं कि भैया फ्लोटिंग रेट क्या लगेगा और फिक्स्ड क्या लगेगा, 200 करोड़ फ्लोटिंग पे लूँ तो क्या, 200 करोड़ फिक्स पे लूँ तो क्या। तो मेरे को दो रेट मिलेंगे, एक फिक्स्ड एक फ्लोटिंग, आपको भी सेम ऐसे दो रेट मिलेंगे, एक फिक्स्ड एक फ्लोटिंग। अब अपने पास में 4 रेट है, आपको जो रेट पे लोन चाहिए आप ले सकते हो अपने बैंक से, मेरे को जो रेट पे लोन चाहिए मैं ले सकता हूँ अपने बैंक से, लेकिन ये चारों रेट
को हम अगर प्रॉपरली एनालाइज करके साथ में लेके आए, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मेरे को आपके बारे में कुछ नहीं पता, आप मुंबई में बैठे हो तो आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी आके हम दोनों को जोड़ती है और हम हमारे ये जो चारों रेट्स है इनको एनालाइज करती है और फिर ऐसे ट्रांजेक्शन्स को घुमाती है कि आपको 200 करोड़ का लोन चाहिए मिल जाएगा, मेरे को 200 करोड़ का लोन चाहिए मिल जाएगा, आपको फिक्स रेट पे चाहिए मिल जाएगा, मेरे को फ्लोटिंग पे चाहिए मिल जाएगा, लेकिन बैंक से कम रेट में, तो फायदा है कि नहीं? आपको फिक्स पे चाहिए था मान लो फॉर एग्जाम्पल, और बैंक आपको 10% फिक्स रेट लगा रही थी, मेरे को फ्लोटिंग पे चाहिए था, बैंक मेरे को लाइबॉर प्लस 2% फिक्स फ्लोटिंग रेट लगा रही थी। अगर ट्रांजेक्शन घुमा के मैं 9% में आपको लोन दिलवा दूं तो आप 10% में बैंक से लोगे कि 9% में ये ट्रांजेक्शन करोगे? 9%। अगर ट्रांजेक्शन घुमा के मेरे को लाइबॉर प्लस 1% में लोन मिलता है तो मैं बैंक से लाइबॉर प्लस 2% में लोन लूंगा या लाइबॉर प्लस 1 में? लाइबॉर प्लस 1 में। दिस इज कॉल्ड एज कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज यानी कि चारों रेट्स में कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस होते हैं उनका फायदा दोनों पार्टी को मिल सकता है। इट्स कॉल्ड एज विन विन सिचुएशन। अगर टोटल फायदा 2% का है तो हो सकता है 1% डीलर रख ले, आधा आधा हम शेयर कर ले, या हो सकता है कि डीलर रख ले 0.40 और 0.80 0.80 हम शेयर कर ले, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसने इतना ही रखना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसने इतना ही रखना चाहिए। हम तीनों एक जगह बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग होगी और बाद में डिसीजन निकलेगा। इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। ओवर द काउंटर यानी टेबल है, टेबल के तीनों और लोग बैठे हैं, अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, भाई तू इतना रख लेना, तू इतना रख लेना, तू इतना रख लेना, प्रोसीजर क्या होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव एडवांटेज। जहाँ पे आपको ना ज़रूरत नहीं है, कमर्शियल एज सच नीड नहीं है, लेकिन कमर्शियल नीड नहीं है स्वैपिंग करने की, लोन, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, लोन लेने की नीड तो है, मैं स्वैप की ज़रूरत की बात, स्वैपिंग की आपको ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो बैंक से ले सकते हो, मेरे को भी ज़रूरत नहीं, चाहो तो मैं बैंक से ले सकता हूँ, लेकिन यार बैंक से डायरेक्टली वैसे लेने की बजाय अगर हम घुमाएं फिराएं और सस्ते में पड़ रहा तो क्यों ना स्वैपिंग ले। तो सस्ते में जो पड़ रहा है ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज कंपैरेटिव एडवांटेज। अब एक एग्जाम्पल हम कमर्शियल नीड पे भी देखेंगे, एक एग्जाम्पल हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे भी देखेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी इन दोनों को, और मैक्सिमम टाइम आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ये इन दोनों बेसिस पे ही आने वाले हैं। अच्छा एग्जाम्पल देखने के पहले हम कुछ जो बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं स्वैपिंग में वो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज देर आर टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, आप एक एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों पार्टी जब एग्रीमेंट कर रही है तो ये अलग अलग रेट होना चाहिए, ठीक है? मतलब आप भी 8% फिक्स पे कर रहे हो, मैं भी 8% फिक्स पे कर रहा हूँ, तो हमारे बीच स्वैपिंग नहीं हो सकता, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है? दोनों रेट, या दोनों रेट एक लाइब फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, दोनों एक लाइबॉर एक माइबॉर, एक लाइबॉर एक पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट, माइबॉर यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लाइबॉर यानी लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है? सो दो अलग अलग रेट होने चाहिए, सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद होता है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। आप बैंक से जो लोगे 200 करोड़, वो तो एक्चुअल आपको 200 करोड़ कैश बैंक बैंक अकाउंट में आएगा, मेरे को जो 200 करोड़ आएगा वो भी एक्चुअल आएगा, लेकिन आपके और मेरे बीच में और थर्ड पार्टी अगर है डीलर, उसको बोलते हैं स्वैप डीलर, इनके बीच में अगर कुछ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नोशनल रहती है। मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना, 200 करोड़ मैं यहाँ से लोन लेके आपको दूँ और आप वहाँ से लेके मेरे को दो, है तो दोनों करेंसी सेम ही, रुपीज रुपीज, ठीक है? तो वो जो हमारे बीच में प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड होती है वो नोशनल होती है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे बीच में जनरली कभी एक्सचेंज नहीं होती, कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक करेंसी सेम है प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज करने की क्या जरूरत है? मैं एग्जांपल देता हूं, आप मेरे पास 10 रुपए की कड़क नोट दे दो और मैं आपको 10 रुपए की पुरानी नोट दे देता हूं, एकदम जैसे मतलब पता नहीं कोई धूल खाती हुई, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आपको भी वही आइटम मिलना है 10 ही रुपए में, उसकी वैल्यू सेम ही है क्योंकि करेंसी सेम है, तो इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है रीसेट डेट्स। रीसेट डेट्स क्या होती है? रीसेट डेट्स होता है कि हम स्वैप एग्रीमेंट शुरू कर रहे हैं, स्वैप एग्रीमेंट में क्या होगा कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट अदला बदली करेंगे इसका टाइमिंग क्या होगा, लाइक साल में एक बार अदला बदली करेंगे,
3 महीने में एक बार अदला बदली करेंगे क्वार्टरली, या साल में 2 बार करेंगे सेमी एनुअल, कैसे ये हम डिसाइड करेंगे, रीसेट पीरियड क्या होंगे। अब ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि मैं जो लोन ले रहा हूँ क्वार्टरली ले रहा हूँ, तो मैं जनरली चाहूँगा कि आपके साथ में भी क्वार्टरली एग्रीमेंट हो। आप जो लोन ले रहे हो अगर सेमी एनुअली है, तो आप चाहोगे कि मेरे साथ में सेमी एनुअल एग्रीमेंट हो, और दोनों का अलग अलग है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, दोनों का सेम रहे तो बहुत ही सिंपल है। सो इसको बोलते हैं रीसेट डेट, कि हमारे बीच में जो अदला बदली होनी है, एक्सचेंज होना है इंटरेस्ट पेमेंट का, वो कितने कितने ड्यूरेशन के बाद होना है, 6 6 महीने, 3 3 महीने, हर महीने कितना। उसके बाद अब ये ध्यान दो, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्वैप ट्रांजेक्शन फॉलोइंग आर द प्री रिक्विजिट्स। अगर दो पार्टी के बीच में स्वैप ट्रांजेक्शन होना आप बोलते हो कि होना चाहिए, तो ये 2 3 पॉइंट है, ये ध्यान रखो। पहला पॉइंट है कि कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव, हम दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मेरे को लग रहा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ने वाले हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि फ्लोटिंग रेट गिरने वाले हैं। जब कॉन्ट्ररी है, अलग अलग अपोजिट है, तो ही हमारे बीच एग्रीमेंट हो सकता है। अब आप सोचो, आपको लग रहा है फ्लोटिंग रेट बढ़ना चाहिए, तो आप फिक्स पे कन्वर्ट होना चाहोगे। मेरे को भी लग रहा है फ्लोटिंग रेट बढ़ना चाहिए, तो मैं भी फिक्स पे कन्वर्ट होना चाहूंगा। अब दोनों एक दूसरे को फिक्स फिक्स का पेमेंट करेंगे क्या? 8% तू ले ले, 9% मैं दे देता, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। क्यों ज्यादा पेमेंट करूंगा मैं, हर बार मेरा ही नुकसान, ये तो कंफर्म हो जाएगा पहले ही। आ रही बात समझ में? आप लाइबोर 3 महीने का बेसिस बनाते हो, मैं भी लाइबोर 3 महीने का बेसिस बनाता हूँ, स्वैप कैन नॉट हैपन, क्योंकि दोनों को सेम रेट लग रहा। अपोजिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप फिक्स रेट में कन्वर्ट होना चाहते हो, मैं फ्लोटिंग में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, तो पॉसिबल है। चलो आप फ्लोटिंग में कन्वर्ट होना चाहते हो लेकिन बेसिस माइबॉर है, मैं फ्लोटिंग में कन्वर्ट होना चाहता हूँ लेकिन बेसिस लाइबॉर है, तो भी पॉसिबल है, लेकिन सेम ऑब्जेक्टिव होगा तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज, देर शुड बी कंपैरेटिव एडवांटेज या फिर कमर्शियल नीड, तभी तो स्वैप पॉसिबल है, अदरवाइज क्या पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एंड तीसरी चीज इज करेंसी सेम होनी चाहिए एंड अमाउंट ऑफ लोन इक्विवेलेंट, जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट अपन बोल रहे 200 करोड़ 200 करोड़, वो इक्वल होना चाहिए। करेंसी अलग अलग रहेगी तो प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सचेंज करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है कि करेंसी सेम रही, अलग अलग रही तो स्वैप नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन फिर प्रिंसिपल्स बदल जाते हैं। इन द चैप्टर फॉरेक्स चैप्टर यू विल सी करेंसी स्वैप्स, अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स देख रहे हैं। स्वैप्स के बहुत सारे असेट होते हैं, अंडरलाइंग असेट जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर आप स्वैप्स बोलो तो स्वैप्स इक्विटी स्वैप्स भी हो सकता है, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स वाला पार्ट आ जाता है। हम इंटरेस्ट रेट स्वैप भी हो सकते हैं और हमारे पास करेंसी स्वैप भी हो सकते हैं। सो ये वाले चैप्टर में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की बात, इक्विटी स्वैप डेरिवेटिव वाले चैप्टर की बात है, करेंसी स्वैप फॉरेक्स चैप्टर की बात आ जाती है। आ रही बात आपके समझ में? तो ये बेसिकली प्री रिक्विजिट्स है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल नीड, दो चीजें बोला था, कमर्शियल नीड और कंपैरेटिव एडवांटेज। कमर्शियल नीड की बात करते हैं, जरूरत पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है 200 करोड़ का एंड फ्लोटिंग रेट पे लिया है, तो मैं इसको कितना पे करूंगा, लाइबॉर प्लस 1%। अब ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, दिस इज यू, दिस इज बैंक, 1 साल चलने दिया, 2 साल चलने दिया, लेकिन लाइबॉर तो बढ़ते जा रहा है। अब मेरी नीड अराइज होती है कि मुझे फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट करना है, और ये बैंक से जो लोन लिया वो तो 10 साल का लोन है, 2 साल ही हुए, अगले 8 साल तक अगर मैंने कहानी ऐसी चलने दी, चुपचाप बैठा रहा मुंह पे पट्टी लगा के और कुछ एक्शन नहीं लिया, तो मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल बहुत बढ़ेगा। अब आप ही सोचो, पहले साल मान लो लाइबोर था 5%, तो आपने इंटरेस्ट कितना दिया होगा, 6%, 200 करोड़ पे। सिंप्लिसिटी के लिए 1 साल का रीसेट पीरियड मानते हैं, तो 200 करोड़ पे 6% होता है 12 करोड़, ठीक है। अगले साल लाइबोर 6% हो गया, पेमेंट कितना किया, 6 + 1 = 7%, 200 पे 7% 14 करोड़, 14 करोड़। हाउ मच एक्स्ट्रा डिड यू पे, 2 करोड़ रुपीज, अननेसेसरी। डू यू थिंक एनी बेनिफिट इज देयर बाय पेइंग मोर लाइक 2 करोड़ एक्स्ट्रा? नो, देर इज नॉट इवन अ सिंगल बेनिफिट, इट डजेंट मेक एनी सेंस। एंड इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट आर गोइंग टू राइज, डू यू वॉन्ट टू पे मोर? नो,
then take the action. Enter into a swap agreement. I went to this swap party. इसको मैं swap dealer भी बोल सकता हूँ. And this swap party is ready to help me. What is my objective? My objective or my forecast is interest rates are going to rise. Floating interest rate are going to rise in the coming future. दूसरे पार्टी का फोरकास्ट या ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले, तभी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा. सो एग्रीमेंट जो हो रहा है हमारे बीच में वो इस तरह से हो रहा है कि फ्लोटिंग में ले लूँगा वापस, जो मैं उधर दे रहा हूँ वो मैं इधर ले लूँगा. लाइबोर प्लस 1% आई विल टेक, आई विल रिसीव फ्रॉम द स्वैप पार्टी एंड इन रिटर्न आई विल पे लेट्स से 8%, 8% फिक्स्ड. चलो डोंट कीप इट 8, कीप इट ओनली 7%. सो एवरी ईयर इट विल बी फिक्स दैट 14 करोड़ विल बी द इंटरेस्ट पेमेंट. सो एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू वोंट हैव टू पे मोर देन 14 करोड़. ओके नाउ, अच्छा इनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है इनके बीच में नोशन एक प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड होगी. नाउ प्रिंसिपल अमाउंट विल बी सेम एज 200 करोड़ रुपीज. प्लीज नोट दैट स्वैप पार्टी इज नॉट गोइंग टू पे मी 200 करोड़ रुपीज एज अ लोन. इट इज नॉट गिविंग टू गिव मी अ लोन. वो मेरे को एक्चुअल में लोन नहीं दे रही. हमारे बीच एक बेसिस डिसाइड हो गया कि ये जो इंटरेस्ट रेट ऊपर डिसाइड कर रहे हैं ये किस पे कैलकुलेट करेंगे, 200 करोड़ पे. अब आप सोचो अगर यहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट और यहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मैच नहीं करता तो आपके इंटरेस्ट के पेमेंट मिसमैच हो जाएंगे. सो यू वॉन्ट बी प्रॉपरली एबल टू हैच. अगर रिस्क 200 करोड़ पे है तो स्वैपिंग भी 200 करोड़ की होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ इन द थर्ड ईयर से सपोज द लाइबोर गोज टू 7%, यू विल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 7 + 1 दैट इज 8% ऑन 200 करोड़, दैट इज 16 करोड़ रुपीज. कूल. नाउ इन दैट ईयर हाउ द ट्रांजेक्शन विल हैपन, यू विल पे 16 करोड़ टू बैंक. But just because you have entered into a swap agreement, you will get 16 crore back because LIBOR plus 1 is 8%, 7 plus 1 is 8%, that will be calculated on the notional principal amount, this into 8%, and 16 crore you will receive. You will pay 7% on 200, that is 14 crore. Now, net transactions are like this, 16 paid to bank, 14, 16 received from swap party and 14 paid to swap party. In net, I paid only 14 crore rupees and this is how I have saved 2 crore rupees in terms of interest payment just because I had the knowledge of interest rate swaps. A lot of people, like common people, doesn't know anything about the derivatives and how the derivatives can be useful to them. It's obvious that basically in today's scenario, derivative is not for the common man because the amount, the minimum amount that you will have to trade, जो कम से कम अमाउंट होती है जो आपको ट्रेड करनी पड़ती है डेरिवेटिव्स में, वो आज भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में होती है, लाखों में होती है. इतना बड़ा तो हमको रिस्क होता ही नहीं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कमर्शियल नीड, कि यहाँ नीड अराइज हुई थी. बट लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दिस इज वन प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. REMCO and VIMCO are two sister concerns operating in different market conditions. अलग अलग market condition में ये दोनों sister concern companies जो है ये operate करती है. REMCO has an objective to raise fixed rate loan and VIMCO has an objective, or sorry, VIMCO plans to raise floating rate loan that is MIBOR based. So wait one second, I will write it down so that I should not forget. REMCO wants to raise fixed rate loan. So what I will do, I will write down here fixed rate loan and VIMCO wants floating rate loan. So these are the objective. The first condition gets satisfied here that the objective of two people should be in contrast, contrasting objective. Okay, aage badhte hain. Each of these needs, pay attention, each of these needs a loan of 10 lakh rupees. Second objective gets fulfilled here. The principal amount should be same. And currency should be same. 10 lakh for a duration of 3 years. 3 साल के लिए 10 लाख रुपए का इनको लोन चाहिए.
द इंटरेस्ट रेट प्रोफाइल ऑफ दीज टू कंपनीज इन टू लोन मार्केट्स आर एज फॉलोज। अब देखो, अगर रिमको मार्केट में जाके लोन लेने की बात करता है तो उसको 11% पे फिक्स रेट में लोन मिल सकता है, और अगर वो फ्लोटिंग में लोन लेना चाहे तो उसको माइबॉर प्लस 1%, अगर विमको लेने जाए तो उसको 10.25 में लोन मिलेगा फिक्स्ड में, और माइबॉर यानी फ्लोटिंग में लेना चाहे तो वो माइबॉर प्लस 1.75% पड़ रहा है। नाउ देर आर फोर डिफरेंट रेट्स, आई हैव गिवन द सेम एग्जाम्पल अ मोमेंट अगो। यहाँ होता है तीसरी कंडीशन फुलफिल, कंपिटिटिव एडवांटेज। अगर है तो देखते हैं कैसे हैं। ध्यान दो, द फर्स्ट अल्टरनेटिव, टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, दैट्स इट, डू नॉट एंटर इन टू स्वैप एग्रीमेंट। यू वॉन्ट 10 लाख रुपीज ऑफ द लोन, लेट्स से यू आर रिमको, आई एम विमको, यू वॉन्ट फिक्स्ड रेट लोन, द रेट अप्लीकेबल टू यू इज दिस 11%, टेक द लोन फ्रॉम द बैंक एज फ्रॉम एट द रेट ऑफ 11%, पे 11% एवरी ईयर टू द बैंक, 10 लाख पे 11% निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, 1,10,000 रुपये हर साल पे करना उसको। मेरे को चाहिए फ्लोटिंग पे, तो आई विल टेक माइबॉर प्लस 1.75%। ठीक है, नाउ द फाइनेंस कंट्रोलर्स ऑफ बोथ दीज कंपनीज एग्री टू अंडरटेक इंटरेस्ट रेट स्वैप, शो हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड। हमारी कंपनी जो है, इनका फाइनेंस कंट्रोल जो करता है, दोनों कंपनी के फाइनेंस कंट्रोलर ने सोचा कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर होते हैं, और देखते हैं कैसे हम हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं बैंक से भी कम रेट में। आपको फिक्स चाहिए ना, मैं फिक्स पे दिलवाता, 11% से कम दिलवाऊंगा, बैंक जाओगे 11 पड़ेगा। मेरे को फ्लोटिंग चाहिए ना, फ्लोटिंग मिलेगा, लेकिन लाइबॉर प्लस 1.75, सॉरी माइबॉर प्लस 1.75 में भी कम में। ठीक है, हाउ, पे अटेंशन। दिस इज रिमको, दिस इज विमको, ओके। अब एक्चुअल में अगर आप पीछे जाके देखोगे तो रिमको जो कंपनी है उसको फिक्स्ड में लोन चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ फ्लोटिंग में लेने के लिए, और विमको जो है उसको फ्लोटिंग में चाहिए और मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड में लेने के लिए, तभी स्वैपिंग पॉसिबल है। जो चाहिए उसका उल्टा लो, आखिरी में जो चाहिए वो मिलेगा, ध्यान से। ठीक है, सो रिमको ने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया, तो क्या होगा, रिमको को फ्लोटिंग रेट पे करना पड़ेगा बैंक को, और विमको को फिक्स रेट पे करना पड़ेगा क्योंकि बैंक से फिक्स रेट में लिया। देखो अब क्या होता है, पे टू बैंक माइबॉर प्लस 1%, 1 था ना, ठीक है, और विमको फिक्स रेट पे ले रहे हैं, पे टू बैंक, उसका फिक्स रेट क्या है, 10.25, सो ये आउटफ्लो हो गया, ये हो गया बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन। आपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन के लिए, मैंने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरेस्ट देने की बारी आएगी ना 1 साल बाद में, तो ये वो रेट है जिस पे हम इंटरेस्ट देंगे। अब ध्यान दो, नाउ अब क्या होगा, अब ये दोनों अपने अपने स्वैप एग्रीमेंट में एंटर होंगे, उसमें क्या होगा, जो एक ने बैंक को दिया है वो वापस ले लेगा मुझसे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने, आप कौन हो, रिमको हो, आपने बैंक को क्या दिया, लाइब माइबॉर प्लस 1%, वो आप मुझसे वापस ले लो, और मैंने जो बैंक को दिया वो आप मेरे को वापस कर दो। अब क्या होगा देखना, इससे पे टू विमको एंड रिसीव फ्रॉम विमको,
कुछ लोगे कुछ दोगे, यही तो अदला बदली हो रही है। नाउ द स्वैप ट्रांजेक्शन आर गेटिंग एंटर्ड इन टू रिसीव फ्रॉम विमको, पे टू, सॉरी विमको नहीं रिमको, नाउ विमको यानी कि मैं आपसे क्या लूंगा जो मैंने इधर दिया था, मैंने इधर 10.25 दिया था, आई विल गेट बैक फ्रॉम यू 10.25, तो अगर मैं आपसे ले रहा हूँ तो आप मुझे दोगे 10.25%, उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा जो आपने उधर दिया था। सो माई बॉर प्लस 1%, और आपको मिल जाएगा माई बॉर प्लस 1%। नेट, अब एक्चुअल में आपके और मेरे जेब से क्या गया ये ध्यान दो। आप देख रहे हो माइबॉर प्लस 1% आपने जो उधर दिया, माइबॉर प्लस 1% जो मुझसे लिया वो कैंसिल हो गया, और आपका नेट पेमेंट आ रहा है सिर्फ 10.25%। मेरा देखो, मैंने जो 10.25 इधर दिया वो आपसे मिल गया 10.25, तो मेरा नेट पेमेंट आ रहा है माइबॉर प्लस 1%, ठीक है। अब आप उसको कंपेयर करो, ध्यान दो, रिमको को फिक्स चाहिए था, विमको को फ्लोटिंग चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिमको को ये फिक्स्ड ही मिला है ना, फिक्स्ड हो गया ना नेट पेमेंट आखिरी में, और ये उसका फ्लोटिंग फिक्स हो गया, दिख रहे हैं। अगर इफ इंस्टेड ऑफ स्वैप एग्रीमेंट ईच पार्टी वुड हैव टेकन लोन डायरेक्टली फ्रॉम बैंक, देन बैंक रेट जो है, मैं फिक्स लेना चाहता था रिमको, रिमको को बैंक रेट क्या पड़ रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिमको को बैंक रेट पड़ रहा था 11%, ग्यारह परसेंट, और विमको को बैंक रेट क्या पड़ रहा था, फ्लोटिंग लेना चाहता था माइबॉर प्लस 1.75, बैंक रेट क्या पड़ रहा था माइबॉर प्लस 1.75%। अब आप जरा सा ध्यान दो, दो चीज़ों को कंपेयर करो और मुझे बताओ, ठीक है। एक ये है स्वैप एग्रीमेंट से फिक्स्ड में कन्वर्ट हुए, और एक ये है, कौन सा पेमेंट करना पसंद करोगे, 10.25 वाला ना, वहाँ पे कम पड़ रहा है, बैंक से डायरेक्ट लेते तो 11% देना पड़ता, यहाँ देख लो माइबॉर प्लस 1 देना पड़ रहा, और यहाँ माइबॉर प्लस 1.75 देना पड़ रहा है। सो एट द एंड यू कैन राइट डाउन गेन ड्यू टू स्वैप, दोनों का डिफरेंस 0.75 0.75%, 1% तकरीबन, 0.75% हर साल इंटरेस्ट कम पे करना है, ये सॉरी ये है कंपैरेटिव एडवांटेज। ये 0.75 आया कहाँ से, अगर आप लॉजिक लगाते तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, फिक्स रेट के बीच का डिफरेंस 0.75% है, दोनों के फ्लोटिंग रेट का बीच का डिफरेंस भी देखोगे तो 0.75% है, दिस इज इट। यहीं से पहले ही पता लग गया था मेरे को, तो पहले ही पता लग गया था गेन कितना होने वाला है, बट ट्रांजेक्शन कैसे होएंगे ये
आपको ये चीज बताती है एक एक स्टेप। तो कंपैरेटिव एडवांटेज के कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी होते हैं, बाकी अगर आपको कमर्शियल नीड की बात आती है तो वो बहुत सिंपल होता है, बट एग्ज़ाम में कॉम्प्लिकेशंस मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ऐसा मत समझना कि बस ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमेशा, विल सी इन द लेटर वीडियोज़ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो दिस इज़ हाउ द नीड द रिस्क हैज़ बिन हेज्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के थ्रू, बेसिकली दिस इज़ द आइडिया। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हम क्वेश्चंस के साथ में ज़रूर देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स और वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होंगे। एक चीज़ ज़रूर याद रखो, जो मैंने अभी तक आपको बताया कमर्शियल नीड और कंपैरेटिव एडवांटेज, इसमें एक्चुअली हेजिंग हो रही है कमर्शियल नीड में, और एक तरह से बेनिफिट हो रहा है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज में। कई बार ऐसा होता है कि स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए भी आप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को यूज़ कर सकते हो। कैसे? आपने कोई लोन लेना देना है नहीं, फिर भी आके स्वैप पार्टी के साथ में मस्ती कर लेते हो आप। मस्ती कैसे कर ली? आप फिक्स ले लोगे फ्लोटिंग दे दोगे, या फ्लोटिंग ले लोगे फिक्स दे दोगे, ये कैसे डिसाइड होगा? आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो आप एक काम करो फिक्स्ड पे करो और फ्लोटिंग लेते रहो, जो बढ़ने वाले है वो चीज़ लो ना रिसीव, और जो कम होने वाली है जो सेम रहने वाली वो देते जाओ। सो पहले साल मार्केट में मान लो लाइबॉर गया 10%, तो आपको 10 मिलेगा 9 दे दो, अगले साल 11, 11 मिलेगा 9 दे दो, 12, 12 मिलेगा 9 दे दो, तो देना तो 9 ही है, आ रहा 1-1% ज़्यादा है। और ये सब कैलकुलेशन होएगा किस पे? 10 लाख की अमाउंट पे, जैसे लोन अमाउंट है। यहाँ पे हमने सिर्फ परसेंटेज में आंसर निकाल लिया, इसके बाजू में एक और कॉलम ले लो रुपीज़ वाला, और 10-10 लाख पे ये सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा अमाउंट में कितना फ़ायदा हो रहा है। 10 लाख पे 0.75% कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी अराउंड 7,500 रुपीज़। लेट मी कैलकुलेट, या 7,500 रुपीज़ का फ़ायदा है दोनों लोगों को। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये भी चीज़ें देखते हो कि टाइम कितना जा रहा है ये सब करने में। अब अगर मैं रहूँ तो 7,500 रुपये के लिए कहाँ मगजमारी करूँगा इतनी सारी, है ना? साल भर के 7,500 रुपये के लिए इतनी सारी मगजमारी नहीं करूँगा, मैं जाके सीधे सीधे ले लूँगा, बिकॉज दैट विल बी क्विक प्रोसीजर। बट अगर जब ये अमाउंट बढ़ जाती है, जब 10 करोड़ बोलते तो मेरे लिए ये अमाउंट 75,000 तक हो जाती, 75 लाख तक हो जाती, तब तो दिक्कत होती ना, तब तो मैंने ये ट्रांजेक्शन करने ही होते। सो छोटे छोटे में लोग जो जैसे आप और हम लोग होते हैं, हम लोगों को स्वैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बड़ी कंपनी में आप जाओगे काम करोगे कहीं पर जॉब करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ों का कितना इंपॉर्टेंस है। सो डोंट थिंक कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली इट हैपन्स इन द मार्केट। आप गूगल पे सर्च करके देखो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडिया, लॉट्स ऑफ एक्चुअली ट्रांजेक्शन दैट इज़ हैपनिंग इन द स्वैप मार्केट, बट दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू आर लेवल, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें जितनी मेहनत है ना, इतनी ही मेहनत, आप 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन यार प्रिंसिपल होता तो भी उतनी ही मेहनत लगनी है, तो वो वहाँ करना पड़ा था, यहाँ करना नहीं पड़ा था। इसीलिए हम लोगों को लाइफ में जनरली ऐसे स्वैप के एग्रीमेंट आते नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती नहीं है, और हमको लगता है कि भाई ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, ये क्या पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। बट दिस हैपन्स इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट व्हेन द नंबर्स आर हायर, आई कैन से दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट रेट स्वैप बेसिक्स। वी आर गोइंग टू कवर अप लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द कमिंग वीडियोज ऑल्सो, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।